पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने नून लीग की पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 10 बजे मॉडल टाउन में होगा। इजलास में पंजाब असेंबली में पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बजट इजलास के तीसरे सेशन में ऑपोजिशन एहतजाज खेलती रही। 6 मुअत्तल लीकी अराकीन पर फौरी पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। पीटीआई ने तोड़ फोड़ का इल्जाम लगाया। लीकी अराकीन जिमनी इलेक्शन में कामयाब। लीकी अराकीन ने भी एहतजाजन हल्फ ना उठाया। स्पीकर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। पीछा नहीं छोड़ूंगा, कमेटी से बात नहीं बनेगी। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन आज नहीं तो कल मुत्तहिद हो जाएगी। 6 मुअत्तल अराकीन की बहाली तक असेंबली इजलास में ना जाने का ऐलान। पंजाब असेंबली में तोड़ फोड़ और 6 लीकी अरकान की मुअत्तली की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। स्पीकर पंजाब असेंबली पर वेजिलाही कहते हैं, हंगामे में 12 अरकान ने हिस्सा लिया लेकिन मुअत्तल सिर्फ 6 को किया गया। तहकीकाती कमेटी हंगामे की वीडियो को देखकर मजीद कार्रवाई करेगी। कोई ऐवान में आए या ना आए, असेंबली कवरीन के तहत काम होगा। ऑपोजिशन लीडर नवाब साहब हैं, हाउस कमेटी में भी नहीं आते। वो हाउस कमेटी में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 8 नए जजेस का तकरर। सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने जस्टिस अनवारुल हक को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दीगर जजेस में जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस शकीलुर रहमान खान, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, जस्टिस अहमद रजा, जस्टिस रिसाल हसन सैयद, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस सदीक महमूद खुरम शामिल। नए चीफ जस्टिस अनवारुल हक आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सरदार शमीम सीनियर तरीन जज बन गए। बागबानपुरा में घरेलू नाचाकी पर शोहर के हाथों बीवी कत्ल। मुलजिम इरफान मौका से फरार। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जाय बकुआ से पिस्तौल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक रजिया को उसके शोहर ने गोली मारकर हलाक किया। कानूनी कार्रवाई का आगाज। लाहौर न्यूज ने वाकई की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। अदालत ने एक डिक्टेटर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का कहा। खुसूसी अदालत भी बनी। किसी को मालूम है कि वो डिक्टेटर कहाँ है? क्या मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला गद्दार होता है? क्या मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाने वाला गद्दार होता है? नवाज शरीफ, वक्त आ गया है किसी शहरी की पाकिस्तानियत की तौहीन को भी काबिले सजा जुर्म करार दिया जाए। साबिक वजीर आजम ने गद्दारी केस में जवाब हाईकोर्ट में जमा करवा दिया। गद्दारी केस नवाज शरीफ क्यों हाजिर नहीं हुए? लाहौर हाई कोर्ट बरहम। पहली समाअत पर तासुर मिला कि नवाज शरीफ को बस एक बार पेश होना है। वकील, आपने गलत तासुर लिया, आइंदा पेश ना होने पर दरखास्त दें, मामला देखेंगे। जस्टिस मुजाहिर अलीत पर नकवी। शाहिद खाका नवासी ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। क्या मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ही मुजरिम है? पीटीआई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती तो 5 साल पूरे नहीं करने चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान समेत 6 मुलजिम बगैर हथकड़ी नैब अदालत पेश। एहतसाब अदालत ने साबिक वीसी डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तलबा और अच्छा की बड़ी तादाद उस्ताद को इज्जत दो के बैनर्स उठाए, कमरा अदालत के बाहर मौजूद रही। वारिस मीर अंडरपास में ट्रक फंस गया। ट्रैफिक फंसने से अंडरपास को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार हैं। एक घंटे बाद टायरों से हवा निकालने के बाद ट्रक को निकाल लिया गया। साबिक हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुतालिक अहम इंकशाफ। मुआहदे में हुकूमती खजाने पर बोझ डाला गया। लाहौर न्यूज हकाइक सामने ले आया। एक्सिम बैंक चाइना का मंसूबे के नागहानी आफाक की मद में रखे गए फंड्स देने से इनकार। रकम हुकूमत अपने खजाने से अदा करेगी। पंजाब हुकूमत 10 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम मास ट्रांजिट अथॉरिटी को जमा करवाएगी।
चेयरमैन LWMC ने चार रोज कबल तश्कील दिया जाने वाला 10 मेंबरान का नया बोर्ड तहलील कर दिया। सफाई कंपनी बोर्ड में सियासी सिफारिशात आड़े आ गई। मामले की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज सामने ले आया। बोर्ड की तहलील की कॉपी हासिल कर ली गई। आवाम को सेहत बख्श अशिया खुरानोश की फराहमी। पंजाब फूड अथॉरिटी गजाई अशिया को सेहत के असूलों के मुताबिक आवाम तक पहुँचाने में कोशां। ऑयल और घी के फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम पर अमल दरामद में तेजी लाने का फैसला। DG फूड अथॉरिटी का सूबा भर में तरबियती प्रोग्राम चलाने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स के निजकारी मुलाजमी ने शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को एहतजाजन बंद कर दिया। 150 से ज्यादा मुलाजमीन धरने के लिए इस्लामाबाद चले गए। मुनाफे में चलने वाले इदारे को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। कौमी इदारे को किसी सूरत फरोख्त नहीं करने देंगे। मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स। पेपर मिल्स माफिया की जानिब से कागज की कीमतों में होश डुबा इजाफा। उर्दू बाजार के ताजरों की बैठक। 4 दिन के लिए मकामी कागज की खरीदारी बंद करने का ऐलान। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेपर मिल्स मालिकान बिजली और टैक्स चोर हैं। कागज माफिया बेलगाम हो चुका है। कागज मिलों को तलब करके पूछा न गया तो वजीर तालीम का भगराव करेंगे। मोटरसाइकिल चलाने और साथ बैठने वाले के लिए हेलमेट की पाबंदी के बाद बैक व्यू मिरर भी लाजमी, वरना 1 नवंबर से होगा चालान। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बैक व्यू मिरर की अफादियत बारे शहरियों को आगाह करने के लिए मॉल रोड पर कैंप लगा लिया। शहरियों में फ्री बैक व्यू मिरर्स भी तकसीम। 1 नवंबर से साइड मिरर्स ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। सरबरा अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी तबीयत नासाज होने पर अस्पताल दाखिल। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की निजी अस्पताल में सर्जरी हुई। तर्जुमान के मुताबिक सरबरा अवामी तहरीक रूब सेहत है, जबकि अवामी तहरीक के रहनुमा खुरम नवाज कंडापुर से मियां मंजूर बट्टू, लियाकत बलोच और चौधरी सालक हुसैन की मुलाकात। भाई के इंतकाल पर इजहार तासीर। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच का लाहौर न्यूज का दौरा। कहते हैं दुनिया मीडिया ग्रुप ऑफिस के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, मुनज्जम और पुरसकून माहौल में लोग काम कर रहे हैं। हुकूमत पर भी तनकीद की, बोले हुकूमत अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। वज़रा जुबान से आग उगलते हैं। सरसब्ज मौशरा सेहतमंद जिंदगी की जमानत। गवर्नर पंजाब की अहलिया भी लाहौर को सरसब्ज बनाने में पेश पेश। बेगम परवीन सरवर ने मकबराए जहांगीर में APA स्कूल के तलबा के हमरा पौधा लगाया और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम का भी हिस्सा बनी। कहती हैं बच्चों को तारीखी मकामात से रोशनास कराने के लिए यहां बुलाया गया है। और अदाकारा मीरा ने अपने वकील के साथ ही हाथ कर दिया। बलकशेर खोसा एडवोकेट को भिजवाए गए 15 लाख के चेक बाउंस हो गए। वकील ने लीगल नोटिस भिजवाया तो अदाकारा की अंग्रेजी की जद में आ गए। आप मेरे वकील हैं, अपने भेजे गए लीगल नोटिस का जवाब दें। मीरा की अनोखी मंतव्य।